आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव में अच्छे परिणाम पाने के लिए रणनीति तैयार कर रही है, चाहे वह भाजपा हो या महागठबंधन। सभी पार्टियों का आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का लक्ष्य है। इसी क्रम में नवगठित जोहार पार्टी भी चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसे ध्यान में रखते हुए रांची प्रेस क्लब में पार्टी ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी 81 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार अपनी मौजूदगी जनता के समक्ष रखेगी। साथ ही पार्टी जल्द ही अपनी सदस्यता अभियान आरंभ कर पार्टी को विस्तार करेगी। जितने भी खास करके राष्ट्रीय पार्टियां या रूलिंग पार्टी जो अभी है वर्तमान में, खास करके केंद्र में है और आपका स्टेट हमारे झारखंड में है, लोकल खास करके यहाँ के जो है भूमिपुत्र जो भी हैं, इन लोगों को सही मायने में कहीं प्राथमिकता उस तरह की का उस तरह से मिलता नहीं है। जैसे पॉलिटिकल में भी काफ़ी विभागीय है, लोग काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विभाग जो है उन लोगों को नसीब नहीं होता है। बेरोजगारी की समस्या भी हमारे यहाँ खास करके काफ़ी है, जो लोग आज यहाँ से ले झारखंड से पलायन हो जा रहे हैं, रोजगार उन लोगों को मिलता नहीं है। हम लोग लगभग अभी कमेटी, हम लोग पार्टी जो है इसका सहमति ऐसे लगभग हो चुका है, काशियों विधानसभा में हम लोग लड़ेंगे।